दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं 31 जनवरी लास्ट डेट है, 1 फरवरी से हिंदुस्तान के अंदर ट्राई का नया डीटीएच कानून लागू हो जाएगा। दोस्तों इसमें मैंने 50 अलग अलग वीडियोस बनाए, डेफिनेटली अगर अभी तक ना देखा तो नीचे जाके आप देख लेना। लेकिन आज का एक वीडियो क्वेश्चन आंसर का वीडियो है दोस्तों, जहां पे आपके कुछ चुनिंदा सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। यहां पे दोस्तों मैंने 8 ऐसे सवाल चूज किए जहां पे आपने मुझसे 50 बार पूछा कि मुझे ये चीजें बताइए। अभी भी लोगों को कंफ्यूजन है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, यहां पे पूछा गया कि ट्राई का नया डीटीएच कानून क्या है एग्जैक्टली। अभी भी लोगों को पता नहीं कि नया डीटीएच कानून क्या है, कैसे काम करता है। ये पूछा जा रहा है कि 130 रुपए जो मंथली आपको देने हैं वो क्या कंपलसरी है। उसके साथ ये पूछा जा रहा है कि 130 रुपए सिर्फ और सिर्फ आपको एफटीए चैनल्स मिलेंगे, फ्री टू चैनल्स मिलेंगे। ये भी सवाल है कि डिस्काउंट मिलेगा पैकेजेस के ऊपर। एक ये भी सवाल है कि प्लान इसके बाद महंगे होंगे या सस्ते होंगे। ये भी सवाल है कि किस तरह से आप मंथली प्लान चूज करें। इसके साथ ये भी सवाल पूछा गया है कि 31 जनवरी के बाद क्या होगा। और सबसे लास्ट में आपसे ये पूछा गया कि नए कानून के क्या फायदे हैं। मतलब सारे सवाल आपके जितने भी है मैंने यहां से उठा के 8 के 8 सवाल है, सभी के आज जवाब देने वाला हूं। वन बाय वन आपको सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि ट्राई का नया कानून क्या है, क्या क्या चीजें होने वाली फ्यूचर के अंदर आपके साथ। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, आज आपको आपके सारे सवालों के जवाब क्लियरली मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो नील। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड्स। सब्सक्राइब करें हमारे टेक्नो नील चैनल को और उसके पास ही घंटी का बटन दिखता है उसे जरूर दबा दीजिए हमारे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप जानते हैं कि ट्राई का नया डीटीएच कानून आ चुका है हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन अब मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कानून क्या है, किस तरह से काम करने वाला है, आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं वन बाय वन। तो सबसे पहले वेस्ट नहीं करते टाइम आपका, और उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं पहले सवाल की तरफ। जो सवाल है उससे मुझसे पूछा गया है, 500 लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि सर ये ट्राई का नया कानून क्या है। तो दोस्तों ट्राई का नया कानून क्या है उससे पहले बता दूं ट्राई क्या है, क्योंकि ट्राई दोस्तों एक गवर्नमेंट की बॉडी है, जिस तरह से आरबीआई है, सेबी है, उस तरह से ट्राई भी एक बॉडी है। ट्राई के पहले बताने से पहले बता दूं सेबी, सेबी दोस्तों एक ऐसी बॉडी है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते होंगे, शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज काम करती है, मतलब भारतीय स्टॉक एक्सचेंज जो है दोस्तों बीएसई वो वगैरह काम करता है, एनएससी काम करते हैं, उन सभी को गवर्न करती है, उन सभी के ऊपर एक बॉडी है दोस्तों जिसको बोलते हैं यहाँ पे सेबी। अगर आपने शेयर मार्केट में किसी कंपनी में पैसा लगा, उस कंपनी ने आपके यहाँ धोखाधड़ी करी या कुछ भी दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको डायरेक्टली आप जा सकते हैं सेबी की तरफ। सेबी में इतना दम होता है कि उस कंपनी को डीलिस्ट भी कर सकती है और आपको इंसाफ दिलाएगी सेबी। ये होगी सेबी जो पूरे शेयर मार्केट को गवर्न करती है। शेयर मार्केट जो है सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से ही काम करता है, जितनी भी कंपनी छोटी है बड़ी रिलायंस कोई भी कंपनी को सेबी के हिसाब से काम करना पड़ता है। दूसरा सेगमेंट या दूसरी कंपनी आती है दोस्तों एक बॉडी जो है गवर्नमेंट की, वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपका कोऑपरेटिव बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आपके बैंक से है, कोई भी रिलेटेड आपको अकाउंट से रिलेटेड है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम अगर बैंक वाला आपकी बात नहीं सुन रहा है तो उसकी कंप्लेंट कहां करेंगे? आरबीआई में कंप्लेन कर सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सारी हिंदुस्तान की जितनी बैंक है, नेशनलाइज, कोऑपरेटिव या प्राइवेट बैंक, सभी की माया दोस्तों वो अगर देखेगी, इस पूरी चीज को देखेगी, आपके केस को देखेगी, अगर उनको ऐसा लगता है कि गलती बैंक की, तो बैंक को वो वहां पे फटकार लगा सकती है, आपको इंसाफ दिलाएगी आरबीआई। सारी जितनी भी बैंक है उसको आरबीआई के कानूनों का पालन करना पड़ता है। आरबीआई जैसा बोलती है वैसा इनको करना है, वो अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते, आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है उनको। तो ये हो गई आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उस तरह से ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोस्तों, ट्राई जो है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को और डीडीएच इंडस्ट्री को दोनों ही को यहां पे संभालती है। अगर जितनी भी कंपनी है, जियो, वोडाफोन, एयरटेल, जितनी भी कंपनी है, उनको ट्राई के कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर उन्होंने थोड़ा भी यहां से वहां कुछ किया और कस्टमर के साथ कुछ प्रॉब्लम करी, तो आप जियो से लेके बीएसएनएल से लेके आप वोडाफोन, आइडिया, जितनी भी कंपनी है उनकी कंप्लेन आप कर सकते हैं ट्राई में, और ट्राई उनको दंड फटकार सकता है, उनको फटकार लगा सकता है और आपको जस्टिस दिलाएगा ट्राई। और आपको डीटीएच में कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, टाटा हो गया, जितनी भी कंपनी जगह कोई प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे ट्राई के दरवाजे पे अपने खटका सकते हैं और वहां पे ट्राई जो होगा आपको इंसाफ दिलाएगा। तो उसी तरह से ट्राई जो है इन सारी टेलीकॉम और डीटीएच कंपनी को गवर्न करती है, उन सभी की माया समझ लीजिए, सभी को उसके कानूनों का पालन करना पड़ता है, गाइडेंस का। तो ट्राई ये हो गया। अब ट्राई का नया कानून क्या है दोस्तों, पिछले 3-4 साल से बातें चल रही थी, मद्रास हाईकोर्ट में भी चल रहा था, ट्राई कानून को 2 साल पहले ला देता, लेकिन इसको जितनी भी कंपनी है उन्होंने चुनौती दी थी, सुप्रीम कोर्ट गया, फिर मद्रास कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्लियरली ये पहले ऐसा होता था कि आपको सारी कंपनी से एक बड़ा सा बंडल बना के देती थी, 300-400 रुपए में आपको कुछ 150-200 चैनल दे दिए जाते थे मंथली, उसके अंदर आप गिनती के 50 चैनल देखते, बाकी के 150 चैनल आप नहीं देखते थे, क्योंकि बिना काम के चैनल होते थे जो आपके पैकेज का पैसा खा जाते थे। आपको देखने होते थे 50, लेकिन पैसा आपको पूरे चैनल का देना पड़ता था। लेकिन ट्राई ने ये चीज ऑब्जर्व करी, बोला कि अगर 50 चैनल देखते हैं तो 50 का ही पैसा आपको देना चाहिए। और दूसरी चीज,
कि जितने भी अभी प्रॉब्लम हो रहे थे, टाटा के बीच में प्रॉब्लम हुआ था, जी के बीच में प्रॉब्लम हुआ था, आपको पता ब्रॉडकास्टर्स के प्रॉब्लम हो रहे थे कि टाटा अपनी जो डीटीएच पे आप कुछ स्टार के चैनल नहीं दिखा पा रहा था, सोनी के चैनल नहीं दिखा पा रहा था, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स जो होते हैं वो सोनी हो गया या स्टार इंडिया हो गया, जी हो गया, और जो डीटीएच ऑपरेटर होते हैं टाटा हो गया, वीडियोकॉन हो गया, या जितनी भी कंपनी है डिस्ट्रिक्ट वगैरह, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, वो रिलीज नहीं हो पाता, रिन्यू नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों के बीच में अलग अलग शर्तें होती है, 5,000-10,000 करोड़ की इनकी कुछ कैलकुलेशन चलती है, और अगर वो रिन्यू नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर अपने चैनल जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। उस तरह से टाटा के जितने भी कस्टमर थे, यूजर थे, मैं भी टाटा का यूजर हूँ, तो मुझे वहाँ पे कुछ महीनों तक मुझे स्टार के चैनल और सोनी के चैनल देखने को नहीं मिल रहे थे, तो उसके अंदर नुकसान होता है कस्टमर का। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए यहाँ पे एक स्टैंडर्ड नया फ्रेमवर्क रेडी कर दिया ट्राई ने, एक नया डीटीएच कानून बना दिया, जहां पे अब आपको जो चैनल देखना है आप डायरेक्टली ले सकते हैं, आपके ब्रॉडकास्टर जो होंगे सोनी स्टार हो गया, जी हो गया, जितने भी हो गए दोस्तों, उन सबके ब्रॉडकास्टर के पैकेजेस आ चुके हैं यहाँ पे, अलग अलग पैकेज है, 25-30-35 अलग अलग रुपए के पैकेजेस है, 22-25 रुपए के, अब डायरेक्टली ले सकते हैं आपके डीटीएच प्रोवाइडर से। अब ये हो गया एक नया फ्रेमवर्क, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है, यहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होगी, जिस चैनल को आपको देखना है उसी का आपको पैसा देना, बाकी बिना काम के चैनल का पैसा आपको नहीं देना। तो ये क्लियर हो गया, नया जो कानून है वो ये 29 दिसंबर से लागू होने वाला था, लेकिन लोगों को अभी तक सारे चीजें पता नहीं थी, इसलिए इसको 31 जनवरी तक टाल दिया। 31 जनवरी तक आपको सारे पैकेजेस चूज कर लेने आपके आपके परिवार के हिसाब से, और आपको अपने डीटीएच ऑपरेटर को बता देना कि ये वाले चैनल्स मुझे देखने हैं और इतना पैसा मैं मुझे आपको दूंगा, ठीक है। तो 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो ये नया कानून है। अब दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि 130 रुपये मंथली कंपलसरी, 130 रुपये किस बात के हैं, 130 रुपये आपसे लिए जाएंगे हर महीने, ये चीज याद रखना, 130 रुपये हर महीने आपको देने, प्लस 18% जीएसटी, मतलब ऑलमोस्ट 150 रुपये गिन के चलिए। अब ये क्या है दोस्तों, ये जो है 130 रुपये, ये आपको मंथली फीस देनी पड़ेगी आपके डीटीएच ऑपरेटर को, टाटा हो गया, जितने भी हो गया, केबल ऑपरेटर हो गया, 130 रुपये आपको देने ही देने, प्लस 18% जीएसटी, 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। वो किस लिए, पहले आपने सुना होगा जब स्मार्टफोन जब हमारे पास आते, सबसे पहले एयरटेल आइडिया वोडाफोन ही थे जब, ठीक है, तो हम जब इसमें सिम यूज करते थे तो आपको पता है इनकमिंग का पैसा आपको हर महीने रिचार्ज करना पड़ता था, उसमें इनकमिंग का पैसा आपको 300-350 रुपये लगता था, फिर बैलेंस अलग आता था, 500 का रिचार्ज कराएंगे तो उसमें 125-130 रुपये का बैलेंस आता था, कॉल चार्जेस आपके महंगे महंगे होते थे, लेकिन 120-330 रुपये तो सिर्फ और सिर्फ आपके एक महीने तक इनकमिंग कॉल आ सके उसको आपको देना पड़ता था। इसको छोड़ दीजिए लैंडलाइन हमारे पास होता था, लैंडलाइन बीएसएनएल का किसी का भी, तो लैंडलाइन में आपको अगर इनकमिंग रखना है, सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग फोन उठाने के लिए, बात करने के लिए, कॉलिंग के लिए नहीं, तो इनकमिंग का भी मिनिमम चार्ज होता था 150-200-300 रुपये, कुछ अलग अलग चार्जेस होता था, तो मिनिमम चार्जेस जो होता है फिक्स, जिससे उनको पैसा मिलता है, उनके जो कस्टमर उनको कुछ तो हर महीने दें, इसलिए यहाँ पे जितनी भी डीटीएच कंपनीज है ब्रॉडकास्टर्स उनको मिनिमम इतना तो मिले कस्टमर से, तो यहाँ पे एक फीस जो है नेटवर्क एक्सेस फीस, मतलब जो सर्विस आप ले रहे हैं आपके टाटा से या डीटीएच जितनी भी कंपनी से, तो उस फीस को बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस फीस, जो आपको यहाँ पे 130 रुपये देनी है। अब इसमें भी तो डिवाइडेड है, मैं बता दूं, अगर आप 100 चैनल तक देखते हैं वो पेड हो सकते हैं, फ्री हो सकते हैं, क्योंकि फ्री चैनल भी एफडीए चैनल भी हैं, जो 535 जितने चैनल है उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ, आपको मिल जाएगा, तो वो फ्री भी चैनल आप 100 के 100 ले सकते हैं, जिसमें 25 तो कंपलसरी डीडी करेंगे, बाकी 75 चैनल आप फ्री के रख सकते हैं। तो 100 चैनल जैसे आप लेते हैं तो आपको 130 रुपये नेटवर्क एक्सेस फीस देंगे, लेकिन 100 से जैसे ऊपर जाएंगे तो एक नया बैंड स्टार्ट हो जाएगा 100 से 125 वाला, तो 25 चैनल की नेटवर्क एक्सेस फीस और बढ़ जाएगी 20 रुपये, तो आप 25 चैनल और ले सकेंगे, फ्री ले सकते हैं, पेड ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, पेड लेंगे तो आपका बिल की कैलकुलेशन अलग हो जाएगी, अगर फ्री लेंगे तो आपको बिल एक्स्ट्रा नहीं देना, सिर्फ 20 रुपये आपको नेटवर्क एक्सेस फीस जो आपकी एडिशनल 25 चैनल की हुई है, 100 से 125 चैनल वो आपको देनी है, समझ गए। तो 130 रुपये जो आपकी नेटवर्क एक्सेस फीस है, मंथली भाड़ा जिसको देसी लैंग्वेज में बोल सकते हैं आपको देना पड़ेगा, 130 प्लस आपका 18% जीएसटी आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे 130 रुपये में तीसरा सवाल पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफटीए चैनल्स मिलेंगे, दोस्तों ये नेटवर्क एक्सेस फीस का पैसा यहाँ पे आप 130 रुपये के अंदर 25 तो आपको यहाँ पे लेने ही है, आपको 25 चैनल तो आपको ये लेने पड़ेंगे आपके डीडी के, वो तो आ ही जाएंगे, लेकिन बाकी के जो 75 चैनल है वो आप फ्री टू एयर नहीं लेना चाहते तो कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ स्टार का चैनल ले सकते हैं, आप जी का ले सकते हैं, आप सोनी का ले सकते हैं, आप जितने भी आपके चैनल से आप ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, लेकिन एफटीए चैनल्स फ्री है, फ्री में भी अच्छे अच्छे चैनल्स आपको मिलते हैं, ऑलमोस्ट सारे न्यूज़ के चैनल्स आ जाते हैं, 9XM वगैरह, और अच्छे अच्छे म्यूजिक के चैनल भी आ जाते हैं, यूट्यूब मूवीज वगैरह अच्छे मूवीज के चैनल भी आ जाते हैं, तो वो आपको फ्री मिलते हैं तो फ्री में ले लीजिए ना, लेकिन अगर आपको 100 चैनल के अंदर ही आपका कैलकुलेशन रखना है, 25 तो आपको याद रखिए कंपलसरी आपको डीडी के चिपका दिए जाएंगे,
बाकी के 75 चैनल जो है आपके 130 रुपए के अंदर, उस 75 में आप ले सकते हैं, आप स्टार का पैक ले सकते हैं, एक इंडिविजुअल चैनल भी ले सकते हैं जिसके रेट्स वगैरह सब कुछ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको मिल जाएंगे। तो आप वो इंडिविजुअल चैनल भी ले सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि आपको FTA चैनल लेने हैं, ऐसा कोई कंपलसन नहीं है, आप पे चैनल भी ले सकते हैं, लेकिन आप लेना चाहते हैं तो FTA चैनल ले सकते हैं फ्री में, कोई टेंशन नहीं है। चैनल हो गया, अब यहाँ पे चलते हैं, चौथा सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मुझसे कि डिस्काउंट मिलेगा पैक्स पे और चैनल्स पे, तो डिस्काउंट्स डेफिनेटली दोस्तों मिलेगा। अभी जितनी भी कंपनीज अपने अपने पैकेजेस बना रही है, डिश टीवी आ चुका है, वीडियोकॉन आ चुका है अपने पैकेजेस लेके, तो उसने कुछ अलग अलग बुके बनाए, उसको पता है कि कस्टमर के इतना टाइम नहीं कि एक एक चैनल्स ढूंढ के अपना प्लान बनाए, इसलिए उन्होंने अपने अपने बुके भी रेडी कर दिए और उन्होंने चैनल्स के रेट भी, क्योंकि जो चैनल्स के रेट ने फिक्स किए वो मैक्सिमम रिटेल प्राइस वहां पे रख दिया, लेकिन उससे कम वहां पे चैनल ब्रॉडकास्टर या चैनल का जो आपका DTH ऑपरेटर है वो कर सकता है, क्योंकि उनको एक मार्जिन ऑफ मनी दिया जाता है कि इतना 2-3 रुपए का उनका मार्जिन होता है, तो कम करके कर सकते हैं, क्योंकि महंगे चैनल होंगे तो लोग परचेस बिल्कुल नहीं करने वाले, तो कंपनी को नुकसान होगा, ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा। तो ये अभी नहीं होंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर जितने भी ब्रॉडकास्टर अपने चैनल के पैकेजेस के रेट्स कम कर देंगे, अगर उन्हें ऐसा लगा कि पब्लिक नहीं देख रही उनके चैनल तो डेफिनेटली नीचे जाएगा, तो टेंशन मत करिए। और 1 फरवरी से आप देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जितने भी पैकेजेस है हल्के से नीचे आएंगे, आपको अच्छे रेट में चीजें मिलेगी, डेफिनेटली आपको डिस्काउंट तो देंगे। इन दी एंड जो कस्टमर है वो किंग है दोस्तों, अगर आप चैनल लेना बंद करेंगे तो उनकी कंपनी के शटर लग जाएंगे, तो डेफिनेटली वो रेट्स को आपको करके देंगे। पांचवा सवाल पूछा जा रहा है कि प्लान कैसे चूज करें, प्लान कैसे चूज करें दोस्तों, उसके लिए 50 वीडियो बना चुका हूं आपको, किस हिसाब से आप आला कार्ट में से ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, यहां तक कि जितनी भी कंपनी से मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मैं एक लाइव डेमो देखे कि वीडियो कॉल D2H के अंदर किस तरह से आप अपने अपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिए, जहां पे आपको सारे एक एक चैनल आला कार्ट में से ले सकते हैं, जितने बुके हैं अलग अलग कंपनी के, सोनी के, स्टार के, जी के, आप वहां पे ऐड कर सकते हैं, आपको लाइव पता चल जाएगा कितने रुपए आपको एक एक चैनल के देने। इंडिविजुअल चैनल लेंगे तो आला कार्ट में जा सकते हैं, अगर आपको एक चैनल स्टार का देखना है तो आला कार्ट में जाके देख लीजिए, अगर आपको पूरा पैकेज लेना तो पैकेज भी ले सकते हैं, पैकेज थोड़ा सस्ता पड़ता है क्योंकि 10-12 चैनल आपको 30-35 में मिल जाते हैं, लेकिन इंडिविजुअल देखने तो आला कार्ट में से एक चैनल चूज कर लीजिए, स्टार में से एक ले लीजिए, जी का एक ले लीजिए, कलर्स का एक लीजिए, सोनी का एक लीजिए, 4 चैनल हो गए, 4 ही के पैसे देने। अगर आप 4 या 5 ही चैनल देखते हैं तो बिल्कुल टेंशन नहीं, लेकिन आप ज्यादा चैनल देखते हैं तो बुके थोड़ा अच्छा रहता है, उसमें कार्टून वार्टून सब चीजें मिल जाती है, तो उस तरह से आप एक एक चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूं जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाके बिंदास देख लेना। तो यहाँ पे आप कैसे करना है उसका सवाल यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब महंगा होगा या सस्ता, अब दोस्तों दिल पे हाथ रख के बताता हूँ कि डेफिनेटली महंगा होगा। क्यों महंगा होगा? क्योंकि जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस यहाँ पे लगा दी ना, डेफिनेटली ये मुझे हजम नहीं हो रही है, हर महीने का भाड़ा किस बात का देना मुझे बिल्कुल पता नहीं चल रहा, हम मैंने रिचार्ज तो करा लगा नहीं कराएंगे हम रिचार्ज, तो डेफिनेटली हमको सर्विस नहीं मिलनी। अभी अगर इस महीने अगर मैंने रिचार्ज नहीं कराया तो मेरा इस बार टीवी बंद रहने वाला है, वो तो है ही, लेकिन हर महीने का रिचार्ज क्यों कर रहे हैं भाई साहब, हर महीने की जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस है क्यों, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है चीज, क्योंकि जितना पे कर रहे उतना मिल रहा है, अगर इस महीने में पास पैसा था तो मैंने पैसे दे दिए, मैंने चैनल देख लिए, अगले महीने में पास पैसा नहीं है तो मैं पैसा नहीं दूंगा, तो मेरे चैनल वैसे भी नहीं आने वाले, ठीक है। तो क्यों नेटवर्क कैपेसिटी फीस है, क्योंकि नेटवर्क कैपेसिटी फीस से आपके 150 रुपए जितने तो आपके ऐसे ही चले जाते पानी में, 150 तो आपको महीने के देने ही है, आप चैनल देखे या ना देखे आपको 150 तो देने ही, 100 चैनल आप यहाँ पे डाल सकते हैं फ्री टू एयर चैनल जो भी, लेकिन मुझे थोड़ा महंगा डेफिनेटली लगा, 150 रुपए नहीं होते ना दोस्तों तो डेफिनेटली आपका जो पैकेज है 200-250 के अंदर तो बेस्ट पैकेज आपका बन जाता है, लेकिन इसके हिसाब से वो 500 तक चला जाता है, तो ये मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली, दिल पे आकर के बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे खुद की बात 3-3 DTH वाला वीडियोकॉन भी है, टाटा भी है और मेरा इंडिपेंडेंट भी है, तो डेफिनेटली महंगा होगा। कितना महंगा होगा तो देखने वाली चीज है, जो ज्यादा महंगा लेता था उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो बेचारे 150-200 रुपए हर महीने डालते थे उनके लिए डेफिनेटली 300 हो जाएगा, लेकिन जो 500-600 रुपए यूज पहले डालते थे चैनल्स का उनके लिए डेफिनेटली 300-400 में हो जाएगा, कुछ इस तरह की मैकेनिज्म यहाँ पे रेडी किया है। अब चलते हैं सातवां सवाल दोस्तों यहाँ पे कि 31 जनवरी के बाद क्या होगा, तो दोस्तों बता दूं नया कानून 29 दिसंबर को ही लागू हो गया था, लेकिन आपको माइग्रेशन के लिए टाइम दिया गया था, आपके DTH ऑपरेटर को बताया गया था कि 31 जनवरी से पहले सॉफ्टली माइग्रेशन कर लीजिए, ट्रांसपेरेंट वे में आपके जितने भी कस्टमर उनको बता दीजिए कि अब आपको ये प्लान नहीं, आपको ये वाले प्लान लेने पड़ेंगे, आप अपने हिसाब से प्लान चूज कर लीजिए, 1 फरवरी से आपके नए कानून के हिसाब से आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो 31 जनवरी का टाइम दिया है इसलिए, तो आपको अभी आराम से अपने पैकेजेस चूज कर लीजिए, मैं ऑलरेडी 50 वीडियो बना चुका हूँ किस किस तरह से आपको प्लान्स लेने हैं, हर कंपनी में जो भी DTH प्रोवाइडर आपका है उसने एक मैकेनिज्म रेडी किया होगा, अगर नहीं किया तो 2-3 दिन में आ जाएगा। आप अपने चैनल की लिस्ट तो वैसे ही बना सकते हैं, ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जाके आप अपने अपने जो भी अच्छे मनपसंद चैनल आपकी फैमिली के उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, वो लिस्ट आप या तो मेल कर देंगे जब आपका DTH ऑपरेटर पूछेगा क्या कौन कौन से चैनल सर आपको रखने, क्योंकि उसको पूछना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको उसका कस्टमर वैसे भी चला जाने वाला है, तो आपसे पूछेगा सर आपको कौन कौन से चैनल्स चाहिए, या तो आपको मैकेनिज्म बना के देगा, अदरवाइज लिस्ट आप उसको स्कैन करके भेज दीजिए, सेंड कर दीजिए कि ये मेरे चैनल की लिस्ट है, मुझे ये चैनल्स चाहिए,
लिस्ट कैसे बनानी ऑलरेडी एक वीडियो बना के बता चुका हूँ, जाके देख लेना बिंदास आपको काम हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे लास्ट सवाल जो है कि इससे फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा, क्योंकि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे हर वेबसाइट हर डीटीएच कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे कंज्यूमर सेल बना रखा है, वहाँ पे जाके आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वहाँ प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती तो उन लोगों को एक एपिलेट अथॉरिटी रजिस्टर करनी पड़ेगी, जहाँ पे जाके आप वहाँ पे प्रॉब्लम का आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन जल्दी ही देगा। अगर नहीं होता तो आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ पे इंसाफ जरूर मिलेगा। दूसरी चीज, अभी तक आपका सेटअप बॉक्स बिगड़ता था तो आप कंपनी वाला आता था 200-250 रुपए ले लेता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, वो आपको सर्विस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपका सेटअप बॉक्स बिगड़ता था आपको सर्विस वो सारे देंगे। और तीसरी चीज, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो चैनल आप देख रहे हैं उसी का आपको पैसा देना है, आपकी टीवी पे एक एक चैनल के रेट लिखे आएंगे, कौन सा चैनल फ्री है, कौन सा चैनल कितने रुपए का, सब चीज मिलेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, मतलब जो चैनल आपको देखने उसी का आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप जितनी भी कंपनी से डीटीएच अपनी खुद की मनमानी नहीं चला सके, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कंप्लेन कर सकेंगे, उन कंपनी को दंड तक होगा, यहाँ पे अच्छा खासा दंड लगेगा, मतलब कंज्यूमर किंग हो जाएगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा नहीं बोल सकता, थोड़ा बड़ा हो गया, जहाँ पे मैंने आपके सारे सवाल थे उसके जवाब दिए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन अभी भी कोई डाउट है आपके ट्राई के नए कानून के हिसाब से तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको ट्राई करूंगा सारे सवालों के जवाब देने का। आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो प्लीज एक थम्स अप जरूर देना, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, उनको डेफिनेटली अच्छा लगेगा। पहली बार हमारे चैनल पे है, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो नीचे आपको लाल कलर का बटन दिखेगा, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब का बटन, उसको दबा दबा के तोड़ दीजिए, उसको दबाने से आप हमारी छोटी सी टेक्नोलॉजी फैमिली के वीआईपी मेंबर बन जाएंगे। उसके पास ही दिखेगा घंटी का बटन, उसको जरूर दबा देना, क्योंकि जब भी मैं एक नया वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, सबसे पहले आप एक्सेस कर सकेंगे मेरा नया वीडियो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नई ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।